में पीएम मोदी का आगमन, सरकारी योजनाएं जनता तक पहुंच रही, विकास परियोजनाओं को मिल रही सौगातें। कुशीनगर यूपी का तीसरा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बना, 26 नवंबर से दिल्ली से शुरू होगी यहां के लिए फ्लाइट। शोपियां एनकाउंटर में एक जवान शहीद, दो जख्मी, दो आतंकी भी थे। दिल्ली से केजरीवाल का ऐलान, बारिश से बर्बाद हुई फसल को मिलेगा मुआवजा। उत्तराखंड में केदारनाथ यात्रा को मिली हरी झंडी, फिर से शुरू हुई यात्रा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में श्वेता कर, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। आई नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों पर। मानसून की विदाई के सप्ताह भर बाद अचानक तेज आंधी और बारिश ने प्रदेश के कई जिलों में कहर बरपाया है। उत्तर प्रदेश में हुई मूसलाधार बारिश से पिछले 24 घंटे में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। वहीं मूसलाधार बरसात से किसान की फसल भी बर्बाद हो रही है, साथ ही डेंगू के केस भी बढ़ रहे हैं। मूसलाधार बारिश से कई जिले में बाढ़ की स्थिति भी आ गई है और कई नदियां उफान पर है। बारिश लोगों के लिए परेशानियों का हब बनती जा रही है। बेमौसम बारिश बर्बादी को लेकर आई है, किसानों की मेहनत पर पानी पड़ गया है। जहां रामपुर, लखीमपुर और मुरादाबाद और पीलीभीत की तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से बेमौसम बरसात से बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जहां किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। रामपुर, लखीमपुर, मुरादाबाद और पीलीभीत की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से बारिश से बाढ़ का आलम बना हुआ है। सब जगह बाढ़ की स्थिति बनी हुई है, जिस वजह से किसानों को काफी भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है और लोगों का जनजीवन भी इससे काफी अस्त व्यस्त हो चुका है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण समिति के दूसरे दिन बैठक मंगलवार को सर्किट हाउस में संपन्न हुई। मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्रा की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। दो शिफ्ट में मंदिर निर्माण समिति की बैठक चली। इस दौरान बैठक में राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय, सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा, कारदाई संस्था एलएनटी टाटा कंसल्टेंसी के इंजीनियर बैठक में मौजूद रहे। बैठक में राम मंदिर में प्रकाश और सुरक्षा व्यवस्था पर भी चर्चा हुई। वहीं बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि राम लला के राम मंदिर में हर रामनवमी पर रामलला का अभिषेक किया जाता है। अचानक मौसम में बदलाव होने से प्रदेश में कई इलाकों में भारी बारिश हुई। अलग अलग इलाकों में लगातार हो रही बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लखीमपुर के भी ग्रामीण इलाके में भारी बारिश की वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं। बेवजह क्षेत्र के मुख्य रास्ते पर पानी भर गया है और इस वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। गाँव से निकलने में भी लोग भारी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। आलम यह है कि गाँव के रास्ते तालाब में तब्दील हो गए हैं। श्री कृष्ण की धार्मिक नगरी ब्रज में शरद पूर्णिमा के साथ योगी सरकार द्वारा मनाए जा रहे ब्रज रज उत्सव कार्यक्रम की शुरुआत भी हो गई है। वहीं मथुरा के वृंदावन में शरद पूर्णिमा के अवसर पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने यातायात व्यवस्था के कड़े सुरक्षा प्रबंध किए हैं। एसपीसीटी एमपी सिंह का कहना है कि शरद पूर्णिमा का पर्व आज मनाया जा रहा है, इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने यातायात व्यवस्था के लिए कड़े सुरक्षा प्रबंध किए हैं। कल यानी 20 को शरद पूर्णिमा के त्योहार को दृष्टिगत रखते हुए श्रद्धालुओं की अपार भीड़ होने की संभावना है, जिसको दृष्टिगत रखते हुए वृंदावन में आने वाले ट्रैफिक की व्यवस्था का संचालन निम्न प्रकार किया जाएगा। एक्सप्रेस वे से आने वाले सभी बड़े वाहन पशु पैठ पार्किंग स्थल पर और छोटे वाहन दारू पार्किंग, टीएफसी पार्किंग, इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टैंड पार्किंग, मंडी सभी पार्किंग में पार्क।
केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने बताया कि विकास कार्यों को मद्देनजर रखते हुए काम किया जा रहा है और इसी विकास कार्यों की कड़ी में जुड़े मेडिकल कॉलेज का निर्माण किया गया था। मेडिकल कॉलेज अब पूरी तरह से बनकर तैयार हो गया है और आगामी 25 अक्टूबर को पीएम मोदी इस मेडिकल कॉलेज का उद्घाटन करेंगे। मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि देश में हित में इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ है। विकास के दृष्टि से मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य मेरे पिछले कार्यकाल में प्रारंभ हुआ था और आज मेरे लिए बेहद प्रसन्नता का विषय है कि हमारा ये मेडिकल कॉलेज बनकर तैयार हो गया है और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के कमलों द्वारा इसका लोकार्पण आगामी 25 तारीख को होने जा रहा है और इसी संबंध में आज मैं यहाँ इस पूरे भवन के निरीक्षण के लिए आई हूँ और हमारा ये पूरा भवन पूरी तरीके से तैयार है। माँ विंध्यवासिनी की धरती पर इस मेडिकल कॉलेज का निर्माण हुआ है। विकास के दृष्टि से आगरा में एक आरोपी की पुलिस हिरासत में मौत हो गई। बता दें कि ताज नगरी आगरा के थाना जगदीशपुरा में विगत 17 अक्टूबर को मालखाने से 25 लाख रुपए चोरी हो गए थे, जिसके बाद पुलिस के द्वारा टीमें लगाकर छानबीन की गई तो पुलिस के अनुसार 25 लाख की चोरी सफाई कर्मचारी द्वारा की गई। आरोन की चोरी के मामले में पकड़ा गया था और वहीं SSP आगरा महाराज के अनुसार सफाई कर्मचारी अरुण ने चोरी की, पैसों को कबूला कि पैसे घर पर हैं, जिसको लेकर पुलिस ने पैसों को रिकवर करने के लिए उसे घर ले गई। इसी दौरान उसकी अचानक से तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद पुलिस ने उसे अस्पताल में भर्ती कराया जहां डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया। 17 तारीख में थाना मालखाना अंतर्गत एक नकबजनी हुई थी, उस पे 25 लाख रुपया का चोरी मालखाना बक्सा से चोरी हो गया था। उसके आधार पर तुरंत मुकदमा दर्ज किया है, क्राइम नंबर 362/21 अंडर सेक्शन 457-380 में, और उसके बाद पुलिस कई संदिग्ध लोगों के लिए के थाना पर जो आता जाता उनको सबको पूछताछ किया है। कल पुलिस ने एक अरुण नाम के व्यक्ति को पुलिस लिया है, उनसे पूछताछ किया है। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके में कृष्णा नर्सिंग होम में डेंगू के मरीज की मौत के बाद परिजनों ने खूब हंगामा किया। लापरवाही का आरोप लगाते हुए परिजनों ने जमकर बवाल मचाया। इस दौरान मौके पर मौजूद आक्रोशित भीड़ पर तोड़फोड़ करने लगी। जानकारी के मुताबिक डेंगू के मरीज के इलाज सही तरीके से न होने पर मौत हो गई और परिजनों ने अस्पताल में डॉक्टरों पर लापरवाही से इलाज करने का भी आरोप लगाया है। वहीं पीड़ित परिजनों के हंगामे की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने परिजनों को शांत कराते हुए कड़ी कार्रवाई की बात कही है, साथ ही साथ पीड़ितों की तहरीर पर केस भी दर्ज कर लिया गया है। उसके साथ में इन्होंने अपनी पैथोलॉजी में जांच की है, जांच में पीलिया भी आया है, उसमें पीलिया भी आया, लेकिन पीलिया के आधार पर इन्होंने पीलिया की कोई दवा नहीं दी। अब किडनी खराब हो गई, उसका लीवर खराब हो गया, उसके बाद हम घर ले गए, उनको डिस्चार्ज कर दिया इन्होंने। तो घर ले जाने के बाद में 15 तारीख को वहाँ दर्द हुआ है, हमने फिर यहाँ पर सूचना भेजी है, वो बोले कि अरे तुम डॉक्टर हो या हम डॉक्टर हैं, ये ऐसा थोड़ा मोटा दर्द तो होता है, लेकिन फिर 15 के बाद में ज़्यादा दर्द हुआ है तो हम फिर दोबारा यहाँ पे लाए। दोबारा लाए यहाँ पे लाने के बाद में उनके जो कंपाउंडर हैं उन्होंने कहा कि भैया। लखीमपुर खीरी में पिछले 50 सालों का शारदा नदी के जलस्तर ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। पिछले 50 साल में पहली बार इतना पानी शारदा नगर में छोड़ा गया, अब तक के सभी रिकॉर्ड टूट गए हैं। 5,47,000 क्यूसेक से अधिक पानी रिलीज किया जा चुका है। वहीं जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, इसको लेकर प्रशासन अलर्ट मोड में आ गई है। मुरादाबाद के मुंडापांडी थाना इलाके में पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार बारिश का असर दिखने लगा है। जनपद में बहने वाली कोसी और रामगंगा नदी दोनों ही उफान पर है। लखनऊ हाईवे के पास तक बाढ़ का पानी आ गया है। बाढ़ के पानी के आने के चलते कई घंटों से वाहनों की आवाजाही पूरी तरीके से बंद है। कई वाहन बाढ़ के पानी की चपेट में फंस गए हैं। पानी आने की वजह से यात्री घंटों से हाईवे पर ही फंसे हुए हैं। साथ ही लगातार प्रशासनिक अधिकारी बाढ़ग्रस्त इलाकों का जायजा ले रहे हैं। खतरे को देखते हुए जिला प्रशासन की टीम पूरी तरह से सतर्क है।
शाहजहांपुर में हुई वकील भूपेंद्र सिंह की हत्या के विरोध में प्रदेश बार काउंसिलिंग के आह्वान पर प्रदर्शन किया गया। जिला बार एसोसिएशन ने कड़ी निंदा करते हुए परिसर में जमकर नारेबाजी की। हंगामा करते हुए बार एसोसिएशन ने एक दिन का कार्य बहिष्कार करने का फैसला लिया है। बार एसोसिएशन अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह भदौरिया ने मारे गए वकील की हत्या की जांच फास्ट ट्रैक कोर्ट से करवाने और परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी देने के साथ 50 लाख रुपए के मुआवजे की भी मांग की है। सुरेंद्र सिंह भदौरिया, अध्यक्ष सेंट्रल बार एसोसिएशन। आज हम बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर शाहजहांपुर में अधिवक्ता भाई के हमारे एक दिन दहाड़े पर न्यायालय परिसर में गोली मारकर हत्या की गई थी, उसी के विरोध में आज हम हड़ताल पर हैं। हमारी प्रदेश सरकार से मांग है कि जो हत्याकांड हुआ है इसकी तत्काल जाँच कराई जाए और जल्द से चार्जशीट पेश की जाए। रामपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के मोरीगेट नाला पार क्षेत्र में कोसी नदी में उफान के कारण जलस्तर बढ़ गया। बता दें कि पिछले 24 घंटे में उत्तराखंड के रामनगर बैराज से लगभग 1,81,500 क्यूसेक पानी छोड़ा जा चुका है, जिसके चलते रामपुर में भी बाढ़ के हालात बन गए हैं। न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बल्कि शहरी क्षेत्र से सटे 10 गाँव भी इसकी चपेट में आ गए हैं। बता कर दे कि स्थिति को मद्देनजर प्रशासन द्वारा लगातार सुरक्षा और बचाव के इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके साथ ही मोरीगेट नालापार क्षेत्र में लगभग 150 लोगों के फंसे होने की सूचना के बाद प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर बचाव के कार्य शुरू कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि मौके पर प्रशासन को ज्यादा रेस्क्यू बल इस्तेमाल करके बचाव कार्य करना चाहिए। सदर तहसील में लगभग 10 गांव प्रभावित हो गए। अभी हम लोग यहाँ मोरी गेट पे यहाँ कॉलोनी में लोग फंसे हुए हैं। एक बोट लगी हुई है, एसडीआरएफ की टीम हम लोग बुला चुके हैं। एसडीआरएफ टीम 4 राउंड लगा चुकी है, लगभग 40 के आसपास लोग हम लोग रेस्क्यू कर चुके हैं। जो टीम लगी संभल में अनूप शहर गवा मार्ग पर बाइक की टक्कर से महिला की दर्दनाक मौत हो गई। महिला की मौत के परिवार में कोहराम मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं महिला की मौत के बाद मौके पर लोग इकट्ठा हो गए और सड़क पर ही लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया। फिलहाल हंगामे को शांत कराते हुए पुलिस ने शव को जाँच के लिए भेजते हुए कार्रवाई की बात कही है। संबल में दबंगों के हौसले बुलंद है। यहाँ असमोली थाना क्षेत्र के अज्ञात हमलावर ने युवक पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। वारदात उस समय का है जब घायल युवक निजी अस्पताल में बहन का इलाज करा रहा था। घटना मौके पर पहुंची पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल युवक को उपचार के लिए हायर सेंटर रेफर किया गया है। 6 बजे करीब जैसा बताया जा रहा है, किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा जो है उसको गोली मार दी गई, सीने में उसके छर्रे लगे हुए, इलाज के लिए जो है वो मुरादाबाद गया हुआ है। रामपुर के गांधी समाधि आश्रम पद्धति रोड पर पानी आने से रोड का कटान हो गया है। पानी के तेज प्रवाह से कई फीट तक सड़क काट दी गई। सड़क का कटान कर कोठी खास बाग में कोसी का पानी घुस गया। पिछले 24 घंटों में रामनगर बैराज से छूटे 1,81,500 क्यूसेक पानी ने रामपुर में त्राही त्राही मचा दी है। शाहजहांपुर में पिछले 2 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने लोगों के लिए मुसीबत बढ़ा दी है। भारी बारिश की वजह से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई है। साथ ही ग्रामीण अंचलों में क्रय केंद्र स्थापित न होने और मंडियों में हो रही मनमानी के चलते किसान को रखी हुई फसलें भी बर्बाद हो रही हैं। बेमौसम हो रही बारिश के चलते आम लोगों को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। फसलों के बर्बाद होने के बाद किसान कुछ ज्यादा ही परेशानी में दिखाई दे रहे हैं। बारिश के बाद हुए जल भराव से धान की फसल के नुकसान के साथ साथ दाल, तिलहन और आलू की फसलों को भी नुकसान हुआ है। यूपी उत्तराखंड में लगातार बारिश होने की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। निरंतर 2 दिनों से हो रही बारिश से, जिसमें नेपाल की नदियों से आने वाले पानी के साथ साथ बनबसा डैम से 4,71,000 क्यूसेक पानी छोड़े जाने के बाद से निरंतर जल स्तर बढ़ने से मानव जीवन अस्त व्यस्त करके रख दिया है। निचले स्तर पे रहने वाले ग्राम वासियों को उचले स्तर जाकर रहने के लिए जागरूक किया जा रहा है। साथ ही प्रशासन द्वारा बाढ़ में फंसे लोगों को हर संभव मदद का आश्वासन पसंद दिया जा रहा है।
मामला फतेहपुर जनपद के जहानाबाद क्षेत्र के लाहुरी सराय गांव का है, जहां सड़क हादसे में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक युवक जीवन मौत का संघर्ष कर रहा है। जानकारी के अनुसार पीड़ित ई रिक्शा से अपने गांव जा रहा था, जैसे ही लहुरिया सराय मोड़ के पास पहुंचा तभी सामने से आ रही एक तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी, जिसके पीड़ित गंभीर रूप से जख्मी हो गया। वहीं राहगीरों की मदद से सूचना पर एम्बुलेंस द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने वैन और ई रिक्शा को अपने कब्जे में लिया है और शव को कब्जे में लेकर पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। फतेहपुर में आवारा पशु का आतंक फिर से देखने को मिला है। फसलों के बर्बाद करने के साथ साथ अब आवारा पशु मंदिर परिसर में भी तबाही मचा रहे हैं। इलाके में गौशालाएं बनी हैं, पर कहा जा रहा है कि गौशालाओं में इंतजाम सही नहीं होने की वजह से आवारा पशु बाहर घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। जानकारी दी है कि विकास खंड में एक ही गौशाला होने के चलते गौशाला में रहने के इंतजाम सही ना होने से आम नागरिक अपनी मवेशियों को ऐसे ही छोड़ देते हैं और यही मवेशी धीरे धीरे हिंसक रूप अपना लेते हैं। अब हालात ये हैं कि मंदिर प्रांगण में इस समय आवारा मवेशियों ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। जालौन कोच में बिजली की लाइन की चपेट में आने से पशु आहार से लदा ट्रक जलकर राख हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे प्रभारी निरीक्षक बलिराज शाही और फायर ब्रिगेड के जवानों ने बड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। वहीं इस हादसे में लगभग 1.5 लाख रुपए का नुकसान भी बताया जा रहा है। सिद्धार्थनगर के तिरोकपुर थाना क्षेत्र में बड़ा हादसा हुआ। हादसे में बलुआ चौराहे पर अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्राली पलट गई। ट्रैक्टर ट्राली पलटने से 14 लोग घायल हो गए हैं। वहीं घायल एक लड़की की इटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए जाते समय मौत हो गई। घायलों में 6 लोगों की हालत नाजुक को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। पुलिस में लगभग 12:50 के आसपास काफ़ी संख्या में एक्सीडेंटल लोग आए यहाँ पे। बताया जा रहा है कि शायद वो ट्रैक्टर ट्राली के पलटने से हुआ है ऐसा, और यहाँ पे आने के बाद से लगभग माइनर इंजरी वाले और मेजर इंजरी वाले लगभग 20 के आसपास रहे हम लोग, जिसमें से 9 लोग ज़्यादा सीरियस लग रहे थे, तो उनको हम लोगों ने पहले गोल्डन आवर में पहले शॉर्ट आउट कर लिया। और हमारी टीम जो है पूरी की पूरी, यहाँ 6 डॉक्टरों की पूरी टीम थी, हमारे अधीक्षक सर डॉक्टर बैद सर और मैं स्वयं डॉक्टर संजय गुप्ता। उत्तर प्रदेश की अब तक की खबरों में बस इतना ही, और तमाम देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार।